होस्ट एंड दोस्त। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके फेवरेट स्टार। हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट स्टार सुधांशु पांडे जी के बारे में। हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सुधांशु पांडे जी। हाँ दोस्तों, जो निभाते हैं, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत गुड लुकिंग है, जो आप लोगों को आपके फेवरेट शो में नज़र आते हैं दोस्तों, जिन पे न जाने कितने लड़कियां दीवानी हैं, जिनकी एक्टिंग के न जाने कितने फॉलोवर हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही है कि आपका फेवरेट शो अनुपमा में वनराज का किरदार निभाते हैं, जो अनुपमा के पति का किरदार निभाते हैं दोस्तों, उनका नाम है सुधांशु पांडे जी। हाँ दोस्तों, सुधांशु पांडे जी। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि सुधांशु पांडे को लोग करते हैं हेट? हाँ दोस्तों, ये खुद वनराज ने बताया है कि पीपल उन्हें हेट कर रहे हैं, उन्हें भेजते हैं, उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर भेजते हैं गलत गलत मैसेज दोस्तों। हाँ दोस्तों, लोग उनसे कर रहे हैं नफरत। हाँ दोस्तों, आप जैसे ये लोग जो वनराज को बहुत पसंद भी करते हैं, पर आप कुछ लोग जानते हैं कि कुछ लोग वनराज से करने लगे हैं नफरत दोस्तों, और भेजते हैं उन्हें गलत गलत मैसेज। उसके वजह से वनराज यानी कि सुधांशु पांडे जी बहुत दुखी हैं। हाँ दोस्तों, जब हमारी टीम की सुधांशु पांडे जी यानी कि जो अनुपमा में वनराज का किरदार निभा रहे हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो आजकल बहुत दुखी चल रहे हैं। तो हमारी टीम ने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों है, तो सुधांशु जी ने बताया कि वो जब भी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक इंस्टाग्राम के मैसेज चेक करते हैं तो उस पर आता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इतनी सीधी पत्नी है फिर भी तुम उसे छोड़ कर काव्या से चक्कर क्यों चला रहे हो, काव्या को छोड़ दो, ये और वो, और ऐसे वो हो रहे हैं हेटर्स का शिकार। हाँ दोस्तों, वो हो रहे हैं लोगों की नफरत का शिकार। क्या आप लोगों को भी ये बात सुनकर धक्का लगाना? हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट वनराज यानी कि सुधांशु पांडे हो रहे हैं लोगों की नफरत का शिकार दोस्तों। लोग उनसे कर रहे हैं नफरत और उन्हें भेज रहे हैं नफरत भरे मैसेजेस। हाँ दोस्तों, उनसे लोग कई तरह के मैसेज भेजते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी सीधी पत्नी होते हुए भी तुम उसे क्यों धोखा दे रहे हो। अरे दोस्तों, इस बात से उन्हें उनकी हेटर्स की वजह से वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। अब वो सुधांशु पांडे ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ लोगों को पता होता है कि काम है और वो सिर्फ अपना किरदार निभा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियल से इतनी भयंकर जुड़ जाते हैं दोस्तों, और उन्हें पर्सनल मैसेज कर करके परेशान करते हैं। उन्हें कई हेटर्स ऐसे हैं जो उनसे कहते हैं कि तुम अपनी सीधी सादी पत्नी को क्यों छोड़ रहे हो, तुम काव्या से चक्कर क्यों चला रहे हो। हाँ दोस्तों, तो इस तरह से कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, और अपने इन हेटर्स की वजह से, इन नफरत करने वाले लोगों की वजह से आजकल आपके वनराज यानी अनुपमा के वनराज ये सुधांशु पांडे जी असल ज़िंदगी में बहुत दुखी चल रहे हैं। ये सिर्फ उनका उन्हें किरदार जो दिया गया है उनको, ये सुधांशु पांडे का ये कहना है कि जो उन्हें किरदार दिया गया है वो उसे बहुत अच्छी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और जो रोल उन्हें दिया जाएगा वो वही तो करेंगे ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस तरह से सुधांशु पांडे जी आजकल अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम पर लोग मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जितना लोग अनुपमा से प्यार करते हैं उतना ही वो वनराज से नफरत करते हैं, यानी सुधांशु पांडे जी से नफरत कर रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आपके सुधांशु पांडे जी इस चक्कर में हो रहे हैं परेशान दोस्तों। हाँ दोस्तों, चक्कर में आपके सुधांशु पांडे जी हो रहे हैं परेशान। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरी नई नई अच्छी अच्छी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, ताकि मैं आता रहूं और आप लोगों को बताता रहूं कि आपके स्टार्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन हो रहा है खुश, कौन हो रहा है दुखी, कौन है कौन का चल रहा है लिंकअप, किसका हो रहा है ब्रेकअप। हाँ दोस्तों, तो ये सारी खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग।